Duniyadari is presented by Winzo Gaming App. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो ऑफलाइन गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे. यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली. नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल खबरों का हमारा डेली बुलेटिन दुनियादारी. साल 2016 की बात है, 15 जुलाई का दिन था. तुर्की के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में हंगामा मचा हुआ था. शाम के 4 बजे उनके पास एक खुफिया रिपोर्ट आई थी नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT की तरफ से. कुछ हैरतअंगेज जानकारियां उनके हाथ लगी थी. MIT ने फौरन रिपोर्ट बनाकर आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हुलूसी अकार को भेज दिया. इस रिपोर्ट में क्या था, इसमें कहा गया था कि सेना का एक गुट लंबे समय से तख्ता पलट की साजिश रच रहा है. कल की रात देश में कुछ बड़ा होने वाला है, कहां और क्या इसके बारे में बस अनुमान लगाया गया था. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तुरंत राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान को फोन मिलाया. प्रेसिडेंट उस समय छुट्टी मनाने मामरस गए हुए थे. मामरस तुर्की के साउथ वेस्ट में भूमध्य सागर के तट पर बसा खूबसूरत सा शहर है. अर्दोगान यहां कुछ शांति के पल बिताने आए थे. उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे भूचाल आने वाला है. वो फोन रिसीव नहीं कर पाए, ये बड़ा संकट था. इसका रास्ता निकालना जरूरी था. हुलूसी अकार ने अब MIT के चीफ को साथ लिया. उन्होंने तय किया कि संभावित खतरे से कैसे निपटा जाए, आर्मी की यूनिट्स को कहां तैनात किया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग की गई. उन्हें लगा कि अब किसी भी स्थिति को संभाल लिया जाएगा. लेकिन यहां पर वे दोनों गच्चा खा गए. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्राइवेट सेक्रेटरी विद्रोही गुट के साथ मिला हुआ था. उसने मीटिंग वाली बात फौरन अपने आकाओं तक पहुंचा दी और यहां से मामला बिगड़ गया. विद्रोही गुट तय प्लान से एक दिन पहले ही एक्शन में आ गया. शाम के 7 बजे तक पूरे देश में हमले शुरू हो गए थे. इस्तांबुल के 2 बड़े पुलों को बंद कर दिया गया. उस विद्रोही गुट ने अपने कब्जे में ले लिया. राजधानी अंकारा के आसमान में फाइटर जेट्स उड़ रहे थे. इस्तांबुल में हेलीकॉप्टर्स से बमबारी की जा रही थी. जनता दहशत में थी. सरकार को पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है. प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि सेना विद्रोहियों का सामना कर रही है, थोड़ी देर में हालात ठीक हो जाएंगे. यह ऐलान छलावा साबित हुआ. कुछ समय पहले ही अकार को अरेस्ट कर लिया गया था. उन्हें तख्ता पलट के कागज पर साइन करने के लिए कहा गया. अकार ने ऐसा करने से मना कर दिया. तब उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई. बेल्ट से उनका गला दबाने की कोशिश हुई मगर वो नहीं माने. तब अकार को मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में बंधक बना लिया गया. टर्किश वायुसेना के मुखिया अबीदीन उनाल इस्तांबुल में एक शादी समारोह में हिस्सा ले रहे थे, उन्हें वहां से किडनैप कर लिया गया. इस बीच विद्रोहियों की एक टुकड़ी सरकारी चैनल टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन कॉरपोरेशन जिसे TRT कहते हैं के दफ्तर में दाखिल हो चुकी थी. चैनल पर उनका कब्जा हो गया. उन्होंने एक न्यूज एंकर के सिर पर बंदूक रखी और ऐलान पढ़ने के लिए कहा. न्यूज एंकर ने उनका कहना मान लिया. ऐलान क्या था? ऐलान था, वर्तमान सरकार ने देश का लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष चेहरा बिगाड़ दिया है. अब तुर्की का शासन पीस एट होम काउंसिल के हाथों में है. ये काउंसिल तुर्की के लोगों की सुरक्षा करेगी. पीस एट होम काउंसिल या पीस काउंसिल उसी दिन बना था. यह विरोधियों के गुट का औपचारिक नाम था. यह अगले ही दिन भंग हो जाने वाला था. स्टेटमेंट में अर्दोगान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, मसलन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों का उल्लंघन और संवैधानिक अधिकारों पर पाबंदियां आदि. विद्रोहियों ने यह भी कहा कि सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते पहले की तरह चलते रहेंगे. वे खुद को तुर्की की नई सरकार के तौर पर पेश कर रहे थे. इस ऐलान के बाद TRT ऑफ एयर हो गया. तब तक टैंक्स के दस्ते सड़कों पर चौकड़ियां भरने लगे थे. संसद और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर बम बरसाए जा रहे थे. पुलिस हेडक्वार्टर और MIT के दफ्तरों पर भी हमले हुए थे. कई महत्वपूर्ण संस्थान अब विद्रोहियों के कब्जे में थे. लेकिन अभी तक राष्ट्रपति का कोई अता पता नहीं था. विद्रोहियों के सरगना ने फाइटर जेट्स को मामरस की तरफ रवाना कर दिया. उनका हुक्म था, अर्दोगान जहां दिखे उन्हें जान से मार दिया जाए. फाइटर जेट्स ने हुक्म का पालन किया. उन्होंने मामरस में अर्दोगान के रिजॉर्ट पर बेतहाशा बमबारी की. लगा कि विद्रोहियों का प्लान सफल हो चुका है, उनके रास्ते का अंतिम कांटा निकल चुका है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. हमले से कुछ मिनट पहले ही अर्दोगान वहां से निकल चुके थे. उन्हें पूरी घटना की जानकारी मिल चुकी थी. अब बस इंतजार था कि अर्दोगान करेंगे क्या, उनका पहला कदम क्या होगा.
ये साफ हुआ रात के 9:30 बजे। राष्ट्रपति अर्दोगान सीएनएन तुर्क पर नजर आए। वो मोबाइल के जरिए देश की जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता की ताकत से ऊंची कोई शक्ति नहीं है। अर्दोगान ने लोगों से बाहर निकलने और विद्रोहियों का सामना करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि साजिश करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही अर्दोगान सामने आए, पूरा पासा ही पलट गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। उनके पास जो कुछ भी था, उन्होंने उसी के सहारे लड़ने की शपथ खाई। चाकू, बर्तन, बेलन, डंडे लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर था। विद्रोही सैनिकों ने शहरों में कर्फ्यू लगा रखा था, लेकिन जनता इन सब से बेफिक्र थी। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से गोलीबारी हुई, टैंकों के गोले दागे गए, मगर लोगों ने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने विद्रोही सैनिकों पर धावा बोल दिया। तब तक आर्म्ड फोर्सेस ने ऐलान कर दिया था कि हम विद्रोही गुट से अलग हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की वफादार सेना, पुलिस और आम जनता ने मिलकर विद्रोहियों से लोहा लिया। अगली सुबह तक पूरा हंगामा शांत हो चुका था। सरकार कायम थी। राष्ट्रपति अर्दोगान अपनी कुर्सी पर कायम थे। विद्रोहियों का प्लान फेल हो चुका था। सुबह में खबर आई कि 700 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। तख्तापलट की साजिश नाकाम हो चुकी है। एक हंगामा शांत हुआ था, लेकिन एक दूसरा कतार में खड़ा था। यह शुरू होने वाला था राष्ट्रपति अर्दोगान की जानिब से। तुर्की की सरकार ने तख्तापलट का आरोप लगाया तुर्की के धार्मिक नेता फतेहउल्लाह गुलेन और उनके संगठन FETO पर। हमले से 1.5 महीने पहले ही तुर्की ने FETO यानी फेटो को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। गुलेन कौन है? वो धर्म प्रचारक होने के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उनके धार्मिक आंदोलन का नाम है हिजमत या सेवा। ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैला हुआ है। उन्होंने लगभग 140 देशों में स्कूल खोले हुए हैं, जहां से वो अपने दूसरे कामों के लिए लड़ाके रिक्रूट करते हैं। 1999 से गुलेन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रह रहे हैं। तुर्की में उनके अनुयायियों की बड़ी संख्या थी। उनके समर्थक सरकार, सेना, कॉलेज जैसे अहम संस्थानों के बड़े पदों पर काम कर रहे थे। गुलेन एक समय तक अर्दोगान के करीबी हुआ करते थे। 2002 में जब अर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या AK पार्टी सत्ता में आई, तब गुलेन भी उनके साथ थे। लेकिन यह रिश्ता तब बिगड़ने लगा जब गुलेन समर्थक पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स ने अर्दोगान के मातहतों पर हाथ डाला। अर्दोगान तब देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गुलेन वादियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने यहां तक कहा कि गुलेन उनकी कुर्सी छीनना चाहते हैं। 2014 में अर्दोगान राष्ट्रपति बन गए। उनका शक बरकरार रहा। मई 2016 में उन्होंने फेटो के को टेरर ग्रुप घोषित कर दिया। जब जुलाई 2016 में तुर्की में तख्तापलट नाकाम हुआ, तब अर्दोगान ने फाइनल अटैक का प्लान बनाया। तुर्की में मिलिट्री ने 4 बार तख्तापलट किया है, 1960, 1971, 1980 और 1997 में। 1960 के तख्तापलट में प्रधानमंत्री को फांसी पर टांग दिया गया था। अर्दोगान इस इतिहास से वाकिफ थे, इसलिए उनका फाइनल अटैक ऐसा होने वाला था जिससे कि तख्तापलट की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके और उनकी कुर्सी सलामत रहे। अर्दोगान के इस प्लान के तहत क्या क्या हुआ? एक हफ्ते बाद ही पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया। ये अगले 2 सालों तक चला। गुलेन के समर्थक जहां कहीं भी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों की संख्या में मिलिट्री अधिकारियों, टीचर्स, पायलट, सिविल अधिकारियों, जजों आदि को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है, जबकि 50,000 से अधिक को अरेस्ट किया गया है। सरकार ने जेल में जगह बनाने के लिए पुराने कैदियों को रिहा कर दिया। कई निजी मीडिया संस्थानों पर ताला लगा दिया गया। सरकार ने यूनिवर्सिटी से रेक्टर चुनने का अधिकार छीन लिया। अब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से रेक्टर मनोनीत करते हैं। इसका असर क्या हुआ? इससे अर्दोगान के खिलाफ आवाजें उठने लगी। यूरोपियन यूनियन ने आरोप लगाया कि अर्दोगान तख्तापलट के बहाने अपने विरोधियों को निपटाना चाहते हैं। तुर्की नाटो में अमेरिका का सहयोगी है। उसने मांग रखी कि अमेरिका फतेहउल्लाह गुलेन को उसे सौंप दे। अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए। तुर्की ने अमेरिका पर तख्तापलट को सपोर्ट करने का आरोप भी लगाया है। और भी कई देशों ने तुर्की पर मानवाधिकार उल्लंघन जैसे गंभीर इल्जाम लगाए, मगर तुर्की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्दोगान ने कहा था कि तख्तापलट ईश्वर का दिया हुआ अवसर है, उन्होंने इस अवसर को साध लिया है। वो हर तरीके से अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। आज इन सबकी चर्चा क्यों? वजह है एक अदालती फैसला। नाकाम तख्तापलट में शामिल 22 पूर्व सैनिकों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये सैनिक TRT के दफ्तर पर हमला करने और न्यूज एंकर से जबरदस्ती कू डिक्लेरेशन पढ़वाने के दोषी पाए गए। ये पहली बार नहीं है जब साजिशकर्ताओं को सजा मिली हो। 2017 से ही दोषियों को सजा देने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकतर मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन लोगों के बाहर निकलने की संभावना नगण्य है।
तख्तापलट की साजिश तो देशद्रोह से कम नहीं, फिर अदालत फांसी का आदेश क्यों नहीं दे रही? दरअसल तुर्की में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। यहां आखिरी बार 1984 में किसी को डेथ पेनल्टी मिली थी। 2002 में तुर्की ने शांतिकाल में किए अपराधों के लिए डेथ पेनल्टी को बैन कर दिया। 2 साल बाद मौत की सजा को हमेशा के लिए हटा दिया गया। अर्दोगान तब देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। तुर्की को यूरोपियन यूनियन में शामिल होना था, इसी के तहत ये व्यवस्था लाई गई थी। अब अर्दोगान इस फैसले के लिए अफसोस जताते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि हत्यारों को बिठाकर खाना खिलाते हुए उनका खून खौलता है। अर्दोगान कहते हैं कि अगर संसद ने डेथ पेनल्टी का कानून पास किया तो वो बिना देर किए उस पर साइन कर देंगे। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मगर आज ऐसा कानून पास हो जाए तो क्या तख्ता पलट के दोषियों को मौत की सजा दी जा सकती है? जवाब है नहीं। तुर्की के कानून के मुताबिक अपराध किए जाने के समय लागू कानून ट्रायल के दौरान प्रभावी होगा। चूंकि जुलाई 2016 में मौत की सजा का प्रावधान नहीं था, इसलिए दोषियों को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। इस क्रू ने रेसेप तैयब अर्दोगान को कैसे बदल दिया? जानकारों की माने तो उस घटना ने अर्दोगान को कट्टर और निरंकुश बना दिया। आया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलना हो या अमेरिका से आंख मिलाकर बात करना, तुर्की ने सीरिया और अजरबैजान आर्मेनिया वॉर में अपना दखल बढ़ाया है। अर्दोगान तुर्की को उस्मानिया सल्तनत की तरह विराट और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। इस मकसद में कोई भी रुकावट उन्हें स्वीकार नहीं है। तुर्की में अर्दोगान की आलोचना जघन्य अपराध माना जाता है। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब हफ्ते भर पहले 104 रिटायर्ड एडमिरल्स ने एक चिट्ठी रिलीज की। इसमें अर्दोगान के इस्तानबुल कनाल प्रोजेक्ट की आलोचना की गई थी। कहा गया था कि इस कनाल से 1936 की एक संधि खतरे में पड़ जाएगी और तुर्की पर बाहरी दबाव बढ़ जाएगा। अगले ही दिन उनमें से 10 लोग जेल में थे, जबकि 4 को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। सरकार ने आरोप लगाया कि ये रिटायर्ड एडमिरल्स तख्तापलट की साजिश रच रहे थे। 2016 के नाकाम तख्ता पलट ने अर्दोगान को ऐसी निरंकुशता बरतने का जोरदार बहाना दे रखा है। तुर्की में रहकर उनकी सत्ता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। फिलहाल इस यथास्थिति में कोई बाधा पड़ती नहीं दिख रही। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी ब्रिटेन से है। लंदन में म्यांमार का दूतावास है। कल तक यावजवॉरमिन ब्रिटेन में म्यांमार के राजदूत थे, लेकिन अब उन्हें दूतावास से बाहर निकाल दिया गया है। मिन ने बताया कि म्यांमार को मिलिट्री अटैशे ने उन्हें और दूसरे स्टाफ्स को दूतावास छोड़ने का आदेश दिया। मिन को पूरी रात अपनी कार में गुजारनी पड़ी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने इस घटना की निंदा की है और मिन को बहादुर बताया है। म्यांमार में 1 फरवरी को सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। इस दौरान स्टेट काउंसिलर आंग सांग सूची को भी अरेस्ट किया गया था। मिन ने तख्ता पलट की आलोचना की थी और सूची को रिहा करने के लिए कहा था। दूसरी सुर्खी न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें उनके अपने नागरिक भी शामिल हैं। ये प्रतिबंध 11 अप्रैल की शाम 4 बजे से शुरू होकर 28 अप्रैल तक जारी रहेगा। 8 अप्रैल को न्यूजीलैंड के बॉर्डर पर कोरोना संक्रमण के 23 मामले सामने आए। इनमें से 17 मामले भारत से आए यात्रियों से जुड़े थे। भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो रही। 7 अप्रैल को एक दिन में 1,26,789 मामले दर्ज किए गए। न्यूजीलैंड में 40 दिनों के बाद स्थानीय कोरोना संक्रमण का एक केस भी सामने आया है। संक्रमित व्यक्ति एक कोरोना वायरस आइसोलेशन सेंटर में काम करता था। आज की तीसरी सुर्खी रूस से है। जेल में बंद विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। 7 अप्रैल को नवलनी के वकील वादिम कॉब्जेव ने जेल में उनसे मुलाकात की। बाद में उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नवलनी को चलने में परेशानी हो रही है, उन्हें पैरों और कलाइयों में कुछ महसूस नहीं हो रहा है। पिछले हफ्ते ही नवलनी ने उचित इलाज की मांग के लिए जेल में भूख हड़ताल शुरू की थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, इसके बाद उन्हें सिक वार्ड में शिफ्ट किया गया था। अमेरिका ने नवलनी के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है। अलेक्सी नवलनी राष्ट्रपति पुतिन के धुर आलोचक हैं। पिछले साल उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। नवलनी इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार बताते हैं। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है।
कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।